WH words, question mark words, who, why, वेरी गुड. उनका सो वो शब्द जिनमें W और H अक्षरों का प्रयोग होता है और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज WH फैमिली, जो कि W या H तो शुरू होते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, टू फिगर आउट समथिंग, टू प्रॉब समथिंग. सो राइट डाउन द वर्ड, जो भी नए वर्ड्स होते हैं उन्होंने जरूर लिखा करो. प्रॉब मीन्स इन्वेस्टिगेशन, टू फिगर आउट. सो ऑलवेज राइट डाउन दीज वर्ड्स, राइट? टू प्रॉब समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, जेड़े वर्ड्स का यूज होता है और WH फैमिली के बीच आते हैं. व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, होम, व्हाई, व्हिच. व्हाट मीन्स की, क्या, व्हाट इज दिस, व्हाई यू आस्क्ड, तुसी क्यों पूछा, क्यों. व्हेन मीन्स टाइम दे नाल कंसर्न्ड है, कदों. वेयर इज रिलेटेड टू ए प्लेस. हाउ मीन्स किस तरह, किदा. हु मीन्स कौन, किसे इंसान को असी डोनोट कर रहे हैं. विच, विच प्लेस, केड़ी जगह, किस चीज दे लई. हुज, हुज आ जाता है कि किदा, इट्स काइंड ऑफ किसका, या हुज ब्रदर, किदा भरा, हुम, किसे, किससे, किसको. टू होम यू आस्ट, कि तुसी किसनों पूछया. हाउ मैनी, क्वांटिटेटिव आ गया हूं. हाउ मैनी, किन्ने सी, नंबर्स दे विच आ गया, जिन्हों गिनया जा सकता है तुसी. हाउ मैनी, हाउ मच, किन्ना, कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, दिस इज हाउ मच. सो हाउ मच इज बेसिकली फॉर थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, जिन्हों का वेट किया जा सकता है. हाउ ओल्ड, किसी चीज बारे ऐसी पूछना हो कि कितना पुराना है. हाउ ओल्ड योर हाउस इज. अंटिल व्हेन, कब तक. अंटिल व्हेन यू विल फिनिश दिस वर्क. सिंस व्हेन, कब से. सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क, कदों तो तुसी ये काम शुरू किया. फ्रॉम व्हेन, कब से. फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बिन लिविंग इन द सेम कंट्री और यू हैव बिन लिविंग इन कैनेडा, तुहानू किन्ना देर हो गया यूके च रहिंदिआं नूं या कैनेडा रहिंदिआं नूं. फॉर हाउ लॉन्ग असी यूज करांगे. विद होम, किस दे नाल. अबाउट होम, किस दे बारे. टूवर्ड्स होम, किस दी तरफ. बाय होम, किस दे द्वारा. बाय होम यू विल गेट इट डन और गेट दिस वर्क डन, की दे थ्रू तुसी ये काम करवाओगे. फ्रॉम वेयर, फॉर व्हाट, किस दे लई. हाउ ब्यूटीफुल, किन्ना सोना. हाउ फॉर, किन्ना दूर. हाउ फॉर योर सिटीज, कि तुहाडी सिटी इस प्रेजेंट सिटी तो कितनी दूर है, या हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच देयर. हाउ फॉर मतलब दूरी दा, असी अगर पता करना होवे देन वी विल यूज हाउ फॉर. हाउ गुड, किन्ना अच्छा. हाउ गुड, हाउ लॉन्ग, अगर असी समय दी गल करांगे तो हाउ लॉन्ग यूज करांगे. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच देयर. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच लुधियाना फ्रॉम जगराओं और फ्रॉम जलंधर. सो जो टाइम की गल होगी असी हाउ लोंग पूछांगे. हाउ सून, किन्नी जल्दी. हाउ सून यू कैन कम टू माई सिटी. वट एल्स, होर की. वट एल्स यू कैन ब्रिंग ऑन द टेबल और वट एल्स यू कैन एक्सप्लेन, कि इस तो इलावा तुसी होर की एक्सप्लेन कर सकते हो. वट एवर, कुछ भी. वट टाइप ऑफ, वट टाइप ऑफ पेट इट वॉज, किस तरह का पेट सिगा, या वट टाइप ऑफ शर्ट इट वॉज. वेन एवर, जब कभी.
whenever you will free, bring that pen to me. Jadon bhi tusi free hovoge, pen mere ko leo ya koi bhi cheez, anything you can write it down. Whichever, jo kuch bhi. Which type, kis tarah di, which type of dress you like the most? Who so? Why so? Aisa kyun? Who's, whoever, jo koi bhi. From which office, kis office to? From which office should I pick the parcel? Mainu kis office to parcel pick karna chahida hai? From whose office, kis de office? Ya pa kehna kis se khas person de office to? From whose office? With which boy? Kis ladke de naal? Towards which city? So, ऐसे यूज करते हैं डायरेक्शन वास्ते कि अगर ऐसी दिल्ली जाना है तो ऐसी किस सिटी दे वल दी जाइए होके जाइए. For whose son, किस दे बेटे दे लाई. How many brothers do you have or how many siblings do you have? How much money वास्ते much use होएगा. How come, किस तरह. Any doubt? No, sir. Okay. So, A had WH family. Jide vich ase question de naal puch sakde hain cheezan. So, as sare hi questions tusi, jo bhi video hundi hai, tusi please repeat karya karo usnu sare jaane, taaki tuhanu usda pura gyan ho sake cheezan. I always try ki kuch naviyan cheezan ek achhe tarike naal main leke aavan, kyunki कंटेंट तो बहुत औखा भी होंगे बट आई ऑलवेज ट्राई की सौखे तरीके नाल कि मैं आप उसनूं सीख सकते हैं. इन वट वे, सो इन वट वे यू कैन एक्सप्लेन, तुसी इसनूं किस तरीके नाल दस सकते हो. वट देन तब क्या, फिर क्या, सारे वर्ड्स लिए वट देन यूज होंगे. वेयर एज, whereas means jado kadi bhi. Wherein, with who people, kinne logan de saath, with whom people aayega vaise vich, with whom people. What kind of, kis tarah de, what kind of means ki kis tarah de clothes tuhanu pasand hai, what kind of clothes do you like, how come, kis tarah, how come you know about this secret. I didn't disclose it to anyone. How come you know about it? So, anu ki mein pata lag gaya. At what time you will come to my home? Expressing feelings. So, joy vaste, jadon tusi khush hovo, hurray, great, wow, thanks, etc. In ede varge words tusi use kar sakte. Grief is ki dukh. Alas, his friend died. Oh my God, he is in a great trouble. So sorry to hear the loss. What a tragedy. How tragic. Oh no, how sad. So these are the words to show grief expression. Surprise. What? Huh. Oh my God, my goodness, amazing, fantastic, wow, fabulous, fantabulous. Ek naya word dictionary de vich aise add hoya, that is fantabulous. Fantabulous, meaning same, amazing. Consent. Consent means sahmati. Kise di sahmati lain nu consent kende ya. Bravo, please, certainly, true, well done. Mistake agar galti ho jandi hai. My God, vaise aisi sorry, pardon, idan di words use karde ya. E thode je jo e words ne, e sare words informal English de vich aande hai. Tusi e wale words formally kise officer
या अथॉरिटी नाल नहीं यूज कर सकते, फॉर्मल टोन और वर्ड्स डिफरेंट होंगे. सो दीज आर नॉर्मल एक्सप्रेशंस. गॉड ब्लेस यू, अगर तुसी अपने तो छोटियां नू विश देनी है, यू कैन से गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छी चीज है, वाओ वंडरफुल, बाय गॉड्स ग्रेस. जिस तरह आप कहने कि रब दी दया नाले बहुत वधिया हो गया, विद गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस. अगर कोई दुख दी गल है उसनु कहांगे हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक. अगर किसी ने कुछ कह दिता या उसनु कहना कि तेरी हिम्मत कितना, हाउ डेयर यू और हाउ डेयर ही, उदी इन्नी की में हिम्मत हुई. टेरेबल मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती, मीन्स टेरेबल मिस्टेक. बहुत ही इनक्रेडिबल चीज होंगी है, कुछ अविश्वसनीय की जिहड़ी साडे विश्वास तो परे हो जाती है. इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम. सो दीज आर द ऑफुल वर्ड्स. थैंक गॉड, हरी, दैट्स इट. नजर ना लगे, वैसे अक्सर असं देखते हैं पंजाबी दे विच, अपने पंजाब दे विच ज्यादा ये चीज फॉलो करते हैं, टच फुट. अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, वी कॉल इट टच फुट. फिंगर क्रॉस्ड, दिस इज अनदर वर्ड. जरूर, क्यों नहीं, या पक्का, श्योर, वाई नॉट, ऑफकोर्स. तीन तरह के वर्ड्स यूज होंगे, श्योर, वाई नॉट, ऑफकोर्स. वेल डन, शाबाशी लिए यूज होंदा है. वट ए न्यूज, कोई अच्छी खबर मिलती है, व्हाट ए न्यूज. अगर असी कहने की सच्ची ये चीज हुई, रियली, इज इट, थैंक्स अ लॉट, कंग्रेचुलेशन, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, कुछ अच्छा आइडिया स्ट्राइक किया माइंड में, आप कह सकते व्हाट एन आइडिया, इट्स एन अमेजिंग आइडिया. ओके, नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लास्ट टाइम भी किया, थोड़ा जहां टच छोड़ देवे अच. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर जो वो किसी क्रिया यानी काम कर रहा हो. सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है, जेड़ा सब्जेक्ट होता है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सिंगुलर, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति है, एक वस्तु या एक स्थान का बोध करवाए. प्लूरल, जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाए. प्लूरल जेड़ा एक तो ज्यादा, सिंगुलर जेड़ा फर्स्ट हो गए. सो फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल वी. सेकेंड पर्सन यू, प्लूरल यू. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. वर्ब क्रिया है जिदे माध्यम दे नाल सब्जेक्ट काम करता है. वर्ब, मेन वर्ब, टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बी. जो क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, दैट इज वर्ब. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स असी उन्हां नूं कहंदे हां, जिहड़े की यूज हुंदे है, हेल्प उन्हां नूं सेंटेंस बनाने दे विच काम आते, जो डायरेक्शन दसते हैं कि यह कदों होया, किमें होया, हो रहा है, हो चुका, वो एक डायरेक्शन देंगे ने. इज, एम, आर, वाज, वर, ये दसते हैं कि कम. इज, एम, आर, ये दस रहा है कि वो कॉन्टीन्यूअस चल रहा है, प्रेजेंट दे विच वाज, वर, हो रहा सी. हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल. सो ये हेल्पिंग वर्ब ने सारे, इन्हों असी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. हुन जिहड़ा ऑब्जेक्ट हुंदा है, कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य का अवस्था का प्रभाव. ऑब्जेक्ट मीन्स की उदा रिजल्ट या उदा एंड की होया. सेंटेंस का जिहड़ा पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हुन इहदे विच सब्जेक्ट की है, एग्जाम्पल दे विच द बैल rang, he wept,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव हुन असी ऑब्जेक्टिव नाल लाने हां सब्जेक्ट शी लाइक्स एग्स और शी लाइक्स डायमंड्स सो डायमंड्स जेड़ा होया या एग्स जेड़ा होया ऑब्जेक्ट हैगा हुन असी एडजेक्टिव नू लाने हां सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव जेड़ा हुंदा है वो विशेषता नू दसता है विशेषण Martin is busy. Martin busy है. Busy की है एक उदा objective हो गया या उसकी कोई विशेषता हो गई subjective. She was sick. क्यों sick सी? किसी हो sick. Subject verb plus adverb. The truck came here. He ran fast. उन जड़ी adverb है वो ये दस्ती है कि जड़ी verb सी उन्हें किदा काम किता. Adverb basically verb nu further explain kar dindi hai. He ran, kidda ran kita fast. Subject verb plus noun. Hun noun kis tarah aayega naal? They are teachers. So teachers basically noun. Marilyn was the class president. Helping verb or auxiliary verbs. Kise nu tense de vich problem hai? Anyone is having trouble in tenses? No? No, sir. Okay. So these are helping verbs. Auxiliary verbs is am, do, be, did, are, was, had, may, has, can, will, been, does. Hun dekho, jada can hai, is sakna sakde karke lagande ya. Inna de apa models vi karange agge aan wale times. So ede vich tusi dekho, dare nu himmat, himmat vaste, how dare you? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ ਸ਼ਲ ਫਿਊਚਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਕਮ ਟੂਡੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਕੁਡ ਆਈ ਆਈ ਕੁਡ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੇ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇ ਔਰ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੁਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਚੇਂਜਡ ਔਰ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਚੇਂਜਡ ਸ਼ੁੱਡ ਮੀਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਦੇਅਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੁੱਡ ਮੀਨਸ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਡ ਟੂ I had to do this. Mainu ek karna pya si. She has to. Can be. It can be done. Hun jithe be lagda utthe verb di third form lagegi. Jithe to lagda hai utthe always first form lagegi. I had to go. I had to go nahi likhange apan I had to. ਆਲਵੇਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਵਰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ went ya gone nahi likhange I have to go I'm about to do this work
Any doubt in this? Anyone? No, sir. No, sir. Okay. So modals, auxiliary verb. मोडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किया जाने वाला काम और कार्य की समर्था संभावना निश्चितता इजाजत और आवश्यकता व्यक्त की जा सके कि उस काम की समर्था पता लग सके एबिलिटी एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड permission, etc. So modality, modality ki hundi hai likelihood, kabliyat, modality to paave hai ki kisi to permission, request, capacity, ability ki usdi kabliyat hai, nahi hai. Suggestion, order, obligation or advice. Is saariya chiza modality de vich aa jaandi. So can असी use करते हैं कि सकता है can दे नाल first form I can do this I can run very fast I can read very fast I can do lots of work in semi seconds मैं इस कर सकता हाँ उत्थे असी can लगावांगे could इधा past आ गया पाया या कर सकिया I could achieve this with God's grace with only God's grace I could achieve this or you could come to her so could उत्थे असी use कर दें past form could have इदा कर सकदा see I could have done this may और माइट सकदा है हुण देखो सकदा है कैन ते भी है बट मे इज यूज फॉर परमिशन मे कम इन और यू माइट हैव डन दिस वर्क मे हैव माइट हैव कर सकदा सी यू माइट हैव डन दिस वर्क So may might use हुंदा है कर सकते वास्ते permission दे विच इदिच first form use होना है might have जदो लग गया उदो third form use होनी है so ये चीज ख्याल रखियो can दे नाल तुसी third form नहीं use कर सकते can और may दे नाल हमेशा first form ही use होएगी could have नाल third form use होएगी may have might have जिते have लग गया जिते याद रखना है कि थर्ड फॉर्म विल बी देयर शुड नाल फर्स्ट फॉर्म आएगी शुड मींस चाहिदा यू शुड गो देयर यू शुड वर्क हार्ड यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क यू शुड लिसन केयरफुली ठीक है शुड हैव हुन जिथे फिर हैव आ गया फिर थर्ड फॉर्म यू शुड हैव डन दिस तुहानू ये कर लेना चाहिदा सी यू शुड हैव डन दिस बिफोर शी विजिटेड हुन मस्ट आ गया मस्ट मीन्स कि कोई जरूरी है काम बहुत जरूरी है यू मस्ट डू दिस वर्क यू मस्ट गो देयर यू मस्ट लिसन हर यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क और कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर यू गो टू स्कूल मस्ट हैव फिर थर्ड फॉर्म यू मस्ट हैव डन दिस वर्क थानू यह जरूर कर लेना चाहिदा सी ought to chahida ought to have वैसे ought to काफी घट use hunda hai speaking de vich ought to have chahida see plus third form has to have to hun she has to do this work to aa gaya the first form aa gaya to ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਅਰ
homework. Had has to have to ho gaya. Now had to karna tha, karna padta tha ya karna pada. So I had to take this decision. Main nahi kahunga ki hun had lag gaya tha, assi third form la liye. To lag gaya ta sanu first form hi use karni pai. I had to complete my homework before I went to school. School jaan to pehla mainu apna kam karna paya. Will have to. Even future de vich, she will have to complete her work before her college will open. Will be able to. She will be able to complete her work. Oh, apna kam complete kar payegi. Will be able to. To aya, the first form aayi. Would you like to go there? Fair to aya, again first form. Would like to means tusi chande ho ya would tusi chahoge. Would you like to go with me on long drive? Would you like to walk this? Would you like to drink coffee or tea? Ki tusi ki peena chahoge? Would you like to drink coffee or tea? So asi drink use kita, drank ni use kita. Kyun? Because to lag gaya sega. Used to. Kiya karta tha ya karta tha? I used to swim. When I was in Canada, jado main Canada si, I used to swim daily. When I was in Canada, jado main Canada si, main daily swimming karta siga. So I used to swim daily when I was in Canada. Past nu which is represent karti. So need, needs, needed. First form. Don't need, doesn't need, didn't need. Need means zarurat. Dare to. So inna naal bhi first form because to the prayog hota hai. Would. In place of will, you can use would. Would you like to try now? Would you like to sing now? Would you like to go with me in the evening? Something related to future, but spoken in past. Ki hun tusi future di gal kar rahe ho. Okay, so this is kind of graph. Permissions mainly use hundiyan ne. Can is not for permission. Ability, can you, could you, she will be able to, or she was able to. Possibility, could, might, may, certainty, must. 100% sure. Must have plus past participle. Should means karna chahida. Conditional will, would, advise, should, ought to. So this is just a structure. Any confusion, any question? No question? No, sir. Okay. So again, can have. So these are just models. Jedi apa unhi modals padhe hage. No confusion in modals. Okay. Forms of main verb. Three forms of main verb. Kuch verbs regular hundiyan ne, kuch irregular hundiyan ne. First form, second form, third form. Three forms hi hundiyan ne verb ki. Cut, cut, cut. Put, put, put. All three forms same. Is, was, are, were. All forms different. First, second, same.
ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੀਟ 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 ਸੈਲ ਸੋਲਡ ਸੋਲਡ ਸੈਲ ਸੋਲਡ ਸੋਲਡ ਫਾਲ ਫੈਲ ਫਾਲਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਈਟ ਏਟ ਈਟਨ ਕਲਰ ਕਲਰਡ ਕਲਰ ਕਾਲ ਕਾਲਡ ਕਾਲਡ ਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਨਿਊ ਵਰਬਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਥਰਡ ਗੋ ਵੈਂਟ ਗੋਨ ਮੀਟ ਮੈਟ ਮੈਟ ਕਮ ਕੇਮ ਕਮ ਲੀਵ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਫਾਇੰਡ ਫਾਊਂਡ ਫਾਊਂਡ ਲਿਵ ਲਿਵਡ ਲਿਵਡ ਗੈਟ ਗੋਟ ਗੋਟਨ stay stayed stayed dance danced danced play played played main jis tarah bol raha ha ida sound tusi idda hi copy karna hai when you will pronounce it sit set set tear tore torn stand stood stood start started stuttered laugh laughed laughed fill filled filled smile smiled smiled send sent sent write wrote written prepare prepared prepared read 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 weep wept wept eat ate eaten shout shouted shouted drink drank drunk run ran run wear wore worn it's worn kai is nu worn bolde ne it's worn get up got up got up cost 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 thank thanked thanked move moved moved sound sounded sounded see saw seen touch touched touched look looked looked learn learned learned watch watched watched cook cooked cooked catch caught caught teach taught taught hang hung hung bring brought brought she brought me a pen she brought vegetables comb combed combed take took taken ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਨੋ ਸਰ ਓਕੇ ਨੋ ਸਰ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥੀਸ ਵਰਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਰਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ pronouns which are being used in the place of nouns sentence types if we apa kite hoya affirmative affirmative saratmak sakaratmak negative nakaratmak interrogative question mark negative interrogative naratmak question mark filler words filler words basically speaking de vich kam aunde ne jadon tusi kuch soch rahe hunde ho you can use but I don't recommend instead of filler sounds di jagah se jagah tusi filler phrases use kar sakte ho filler phrases means I think you know I always avoid you know asi formal speaking ch nahi use karde What I am trying to say is, you see, I mean, what I mean, at the end of the day, believe me, I guess, I suppose, kind of, well, okay, like, basically, actually, literally, seriously, hopefully, probably, possibly, relatively, fairly so as is speaking de vich words agar use karde hain it will enhance the beauty of the speaking
vocabulary and uses. So these are simple words: move, go, eat, walk, look, watch, read, sleep, come, love, deep, deaf, home, lame. ये सारियां चीजें तो ऑलरेडी आती हैं. सो कुछ वोकैबुलरी जी आप कर सकते हैं और लेट मी चेक. सिमिलरली इसी प्रकार मैं गया और उससे मिला, इसी तरह वो भी मिला. There is a background noise. So these are normal words. Similarly, simultaneously, similarly, jiddi cheez ode naal raldi mildi hove utthe si similarly use karde haan. Simultaneously, jede ki do kam ikko hi raftaar naal simultaneously ho rahe hai, ikko hi time te ho rahe hai. Main pad raha hoon, saath mein job bhi kar raha hoon. I'm studying, comma, working simultaneously. I'm studying and working simultaneously. Or I'm focusing on both projects simultaneously. Needless, zaruri nahi. Continuously, jada lagatar, continuously, she's getting weaker. Worthwhile, faide ka sauda. It's not worthwhile. Materialize. Ooze. Okay. Phrasal verbs. Phrasal verb दो शब्दों का समूह जिसमें एक शब्द verb होती है और प्राय दूसरा शब्द एक preposition होता है. Get in touch, get on. To board a vehicle, I got on the bus. Get off. किसी चीज तो उतरना, किसी वाहन से उतरना. He was getting off the car. To leave a vehicle. Get off. असी उत्थे यूज करते हैं. मान लो असी किसी बस चो उतरना होवे, किसी कार चो उतरना होवे. Get off या get down. किसी vehicle चो निकलना होवे, असी कहांगे I was getting down or I was getting off the car. So get in or get on to board a vehicle. Kise cheez chasi jado chadde yahan si get in. I got on the bus. And I got off or get down. Get away with to escape. Bach nikalna. Ram got away with the punishment. Bach niklaya. Get up. I get up early morning. I get up early in the morning at 5. To wake up. She gets up at 6 a.m. To stand up. Khade hona veda matlab hai. Get up. Get up all the students. Get along with. Develop good terms with someone. Kisi ke saath achhe sambandh banana. I get along with all my colleagues. Get out of, to leave for outside. Bahar niklana. I get out of the office. I want you to get out of my home. Get over, to recover from some trouble. Kisi trouble jo bahar niklana. Get over as you use karte hain. Kisi parishani se bahar niklana. Ram could somehow get over his problems. Get through, to pass an exam test. Kisi pariksha mein pass ho jana. Get through. I couldn't get through the exam. So is tarah bahut sariyan phrasal verbs ne. Some are these. Run after. Kisi cheez nu chase karna. Kise passe, kise li, kise cheez magar bhajna. He is running after the money. Does he run after money? Pichha karna.
run after, or the police is running after the thief. Run away or run off, to escape, flee, bhajna, abscond, bach nikalna, bhag jana. I run away from there the moment I saw him. I ran away from there the moment I saw him. Run down, to feel weakness in body, shareer mein kamzori mehsoos karna. Run over, study quickly, jaldi jaldi padhna. Don't run over the lesson. Turn on, turn off, band karna, on karna, turn around, palatna. He turned around the moment I called out his name. Turn over, to turn the page. Page palatne nu keh dende, turn over. Stop turning over the page. Turn upside down, to turn something opposite. Ulat kar puri tarah palat dena. It is a glass. If I turn it upside down, it would form a conical shape. Any doubt, any question? No? No, so, sir. Phrasal verb, put out, put off. Extinguish वैसे word ऐसे use करते हैं बुझाना किसी चीज को कोई आग लग जाती है या fire लग जाती है तो ऐसे कहने fire extinguishers नो fire extinguisher है तो उसने use करो kindly put out the fire put out put off put down to write ऐसे कहने कि jot down put down दी जगह ऐसे jot down word bhi aise use kar sakte hain jot jot down to write all the students are requested to put down their ideas put forward pesh karna kuch agge rakhna prastav to present something to propose something that is put forward I put forward my report to the management put up to live I put up in delhi aise kehna I'm living in delhi we can say put up in delhi put through to transfer the call put through put on to gain weight apa kehne ki I you know gained my weight I have put up 10 kgs in just 10 days put up to gain weight put up with to bear tolerate sahan karna I can't put up with your anger abide by rules nemo ka palna karna kisi cheez da assi palna karde ha abide by to adhere the rules we must abide by the company's policy company di policy di sanu palna karni chahidi hai back out of not to keep one's word apni baat ya vaade se mukarna apni hi gal to mukar jane nu kehnde na back out of I never back out of my promises. Blow out of, extinguish. Act upon, to follow. Amal karna, palna karna, usnu execute karna. Ram always acts upon my advice. Ki meri advice de ho, gaur karda hai, amal karda hai. Bring up, to foster. फॉस्टर जो वर्ड हुंदा है उसनु पालन पोषण फॉस्टर किया जाता है समटाइम ये यूज हुंदा है कि वी आर फॉस्टरिंग आर ब्रांड ऐसी अपने ब्रांड नु बढ़ा रहे हैं पालन पोषण उसका कर रहे हैं प्रॉपर्ली सो ब्रिंग अप टू फॉस्टर दे ब्रॉट मी अप उसने उन्होंने मेरा पालन पोषण किया कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल वी कॉल्ड ऑफ द मीटिंग और ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग्स मीटिंग कि उसने रद्द कर देती कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना कास्ट ऑफ
टू अबेंडन, अबेंडन हुंदा त्याग कर देना किसी का। स्नेक कास्ट ऑफ द आउटर स्किन, जिस तरह स्किन स्नेक अपनी स्किन उतार देंदे ने एक खास सीजन दे विच, सो उसनू कास्ट ऑफ असी कह देने हैं कि स्नेक कास्ट ऑफ द आउटर स्किन, अबेंडन त्याग कर देना किसी चीज का। कट डाउन टू रिड्यूस, हिज फादर कट डाउन हिज बजट और एक्सपेंसेस और समथिंग, कम कर देना। प्राइसेस आर कट डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। गिव अप टू अबेंडन, त्याग कर देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। आई हैड गिवन अप बैड हैबिट्स। गिव इन टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लैन कहते हैं गिव इन। डोंट गिव इन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। पुल अप टू टेक आउट, कोई जानकारी निकालना किसी सिस्टम दे विचों, कंप्यूटर दे विचों डाटा लेके आना, सो वी कैन से पुल अप द डाटा। आई पुल्ड अप द डाटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। सी आफ्टर, लुक आफ्टर, देखभाल करना। आई कैन सी आफ्टर देम अनलेस आई गो देयर, जिन्नी देर मैं उत्थे जावांगा ना मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। स्टैंड बाय टू बी विद, साथ देना। ही स्टूड बाय मी in good or bad every time when I need him. Turn out, prove to be, sabit hona, this project will turn out to be a masterpiece. Any doubt? No? Okay. Idioms and proverbs. So basically idioms bahut sare ne, we'll do idioms next time. Any doubt in modals or any in any concept you want to ask, kuch bhi tusi puchna chahnde ho regarding English no, language sir. Okay, no sir. Okay. All right, let me see what else we can do. Okay. सो बगल में जिरी चीज होवे कि नाल ही है, नेक्स्ट टू, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर, एडजेसेंट, एडजेसेंट वॉल, बिसाइड, बिसाइड मींस इन एडिशन टू, बिसाइड एक्चुअली नेक्स्ट, दो वर्ड है दे विच बिसाइड्स दे, लेट मी टेल यू, बिसाइड मींस नेक्स्ट टू, एक है वर्ड besides, सिर्फ पिछे एक तुसी s लगा दोंगे, इदे विच इदा मतलब बन जाएगा in addition to। किसी बहुत चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, आवी है इसको इलावा आवी है, उदे विच असी besides यूज करते हैं। beside without s उदा मतलब है next to। she is living, she is sitting beside to her brother. Besides utthe use hunda in addition to, so besides means jithe s lagi, in addition to, aage ahead of, piche behind, samne in front of, dai or right to the right of, bai or left to the left of, बगल में दाई और इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू, एक्सट्रीम कॉर्नर, कोई चीज कॉर्नर पे है उसको कहवांगे इट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट ड्राइव, जो भी लोकेशन होगी। सो
So these are simple examples. Teacher is sitting in front of the students. Teacher jada hai, bachyan de samne baitha hai. Teacher is sitting in front of the students. Rashim Divya ke bagal mein daayin aur baithi hai. Rashmi is sitting immediate right to Divya. Masood is sitting ahead of Taruna. Aage baitha hai, ahead of Taruna. Ram is sitting adjacent, next to or beside Mayank. Nitin is sitting immediate left to Tarun. Jo Nitin hai, Tarun ke bagal mein baayin aur baitha hai, left side baitha hai. Shalini is sitting left to Ram. Mayank is sitting behind Sandeep, de piche baitha hai Mayank. Mayank Sandeep de piche baitha hai, that means Mayank is sitting behind Sandeep. Ram, Tarun aur Mayank ke bagal mein baitha hai. Ram jada hai, Tarun aur Mayank de bagal de vich baitha hai. Ram is sitting beside Tarun and Mayank. Masood is sitting between. Hun dekho, bagal aur beech de vich thoda fark hai. Bagal means side te baitha hai, beech means ona de bichale baitha. So bagal vaste asi beside use kar liya. Or beach vaste si between use kar liya. Masood is sitting between Rashmi and Junaid. Ona de bichale baitha. Divya, Shalini, Sandeep and Mayank are sitting in extreme corner. Ki sare ek extreme corner te baithe. So these are some basically conversations doctor or patient ke beech baat cheet ki doctor or patient de vich do baat cheet hunde kis tarah ek confirmation hundi hai. Rakesh hai ek jo character hai wo kehnda good morning sir. Dr. Bansal kehnde ne morning, come in please. Fir Rakesh kehnda sir actually I have got a severe headache sir dard ho raha for a few days. ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਫੋਰ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਬਾਊਟ 15 ਡੇਸ ਨਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅਕਰਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਅਕਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਨਾਈਟ just before I go to bed around 19. Unhe time bhi das dita ki jado main just before I go to bed means ki son to pehla 9 baje de nedde. Dr. Bansal, did you take medicine from somewhere? Ki kahin se dawai li aapne? Rakesh said not yet. Ab tak to nahi means not yet. Though halanki I was thinking, main soch hi reha si ki dawai lein pe. Dr. Bansal, no illness must be taken lightly. Kise bhi illness nu sanu lightly nahi lena chahida. No illness must be taken lightly. 15 days is more than enough. 15 din da samay bahut zyada hunda hai. 5 to 7 din, 5 to 7 days period is acceptable. Anyways, koi gal nahi. Now you at least made out that the headache occurs at the same time before going to bed. Aapne ye to samjha ki dard aksar ek hi samay par hota hai, wo bhi sone se pehle. So tusi ye cheez figure out kar chukke ho. This is good. Now Dr. Ushida fir solution dekhega. Rakesh, well, initially I thought it might be occur itself, but now I am a bit scared. Scared hunda hai, main darya hoya ha. Mainu dar lag raha hai. Due to irregularity in food habits, the illness which are known these days, I get horrified even think about those. Khane peene ka khyal na rakhne ki wajah se, jo bimariyan aajkal ho rahi hain, unhe sochkar hi dar lagta hai.
Rakesh, yeah, I felt giddiness twice. Sorry, Dr. Bansal Gandhane, not to worry. Leave it on me now. Let me know if in these day, in these 15 days, you had cold, cough, fever, or any giddiness sort of. Ki kuch hai na chusega to anu. Rakesh kanda, yeah, I felt giddiness. Ki mainu chakkar, do bar chakkar aaya, twice. It just got dark in front of my eyes. Mere aankho ke aake andhira chha gaya. Dr. Bansal, breathe heavily. Dr. Bansal, can they breathe heavily? Don't worry. I'm writing a few medicines. Ki main kuch medicines likhke dhamanga. Purchase from the medical stores outside. Everything will be all right. Sab theek ho jayega. Now you have to come after 2 days. To, dekho, instruction deti unhane. Now you have to. Ki to anu aana pavega. Come after 2 days. Let's see the progress. Let's see the progress. Ki aao progress dekhte hain. Rakesh kehta hai, that's fine, doctor. So, why we are doing this? Main kyon conversation to anu padha reha haan? Is the reason ye hai ki ide vich bahut sare aise words hai jehde assi note kar sakte hain. Let's see the progress. Now you have to. You have to the matlab usne khas instruction deti hai ki tuhanu aana hi payega. ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਕਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਯੂ ਮੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਰੀਡ ਦਿਸ ਆਲ ਐਂਟਾਇਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਐਨੀ